हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुच्छ समस्त को ओएसएससी हेल्प एक वीडियो रे। आशा करुच्छ आपण मैंने समस्त भल होती थे। ओएसएससी सीजीएल 2021-22 जो रिसेंटली कंडक्ट हो तार कट ऑफ केते जीवो बोली बहुत पिला मन में डाउट अच्छी। ठीक अच्छे, समस्ते जानवाप चाहते एक्सपेक्टेड कट ऑफ केते, कट ऑफ को रेंज रे जाए। ओके, हावार उड़ूँ तमें 170 प्लस कट ऑफ भी जीवो बोली। ठीक अच्छे, तो ये जिनस के सत आ कौन एक्चुअली रे हेई पारे। ठीक अच्छे, नॉर्मलाइजेशन रे आपन को शिफ्ट रो तामने मार्क बढ़िबो कि कमिबो, कौन इफेक्ट पड़िबो यार कट ऑफ उपरे, सेही सब जिंसो आमे तामने ए वीडियो रे डिस्कस करिबा। जो माने भी इंटरेस्टेड जरूर वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। ठीक अच्छे, समस्त जानिसंती सीजीएल एटा फर्स्ट टाइम हेतिला आ तामने आमे जदि कहिबा सब शिफ्ट को जदि तामने कैटेगराइज करिबा देखंतु, इजी शिफ्ट किछटा थिला, किछटा मॉडरेट, किछटा हार्ड। ठीक अच्छे, तो जदि तांकर तामने भलो कैंडिडेट मानको स्कोर कथा कहवा। ठीक अच्छे, मुझे कहबी इजी शिफ्ट कथा। ओके, इजी शिफ्ट कथा तो भलो कैंडिडेट माने ओके से माने तामने 170 180 रेंज रे एथिरे इजी शिफ्ट रे स्कोर करि पारिथिबे। ओके, एतिकि पाका पाकी स्कोर तांकर आसी जेतिबो। ठीक अच्छे, बुझेला। तो इजी शिफ्ट रे मु कहुनी एटा एवरेज स्कोर बोली, भूल बुझिबेनी, एटा एवरेज स्कोर नुहो। जो माने भलो कैंडिडेट सब थिबे तांकर स्कोर एही रेंज रे आसीथिबो। ओके, किसी कम भी आनी थे, किसी बेसी भी आनी थे, बट जदि आम कह पाखापाखि रही थे पारे। ओके, सिमिलरली जदि आम तमने कह मॉडरेट शिफ्ट गुड़ा। ठीक अच्छे, जो थे इजी क्वेश्चन आउ मॉडरेट क्वेश्चन टफ क्वेश्चन मिक्स है कि जो प्राय थी। ओके, से आम जदि कह 160 रेंज रे आम भल कैंडिडेट सब स्कोर करेंगे। ठीक अच्छे, 160 रेंज रे भल कैंडिडेट सब स्कोर करेंगे। सिमिलरली जदि आम हार्ड शिफ्ट कथा कहवा, जो शिफ्ट गुड़ा बहुत हार्ड थिला। ओके, आउे तमें जदि भल कैंडिडेट मान स्कोर कह देखो 140 158 मुझे लिखी, बट या बेसी कैंडिडेट बेसी स्कोर भी करेंगे, बट ओवरअल आम जब देखा तमें भल कैंडिडेट सब यही रेंज रे आपजे हार्ड शिफ्ट सबूर। ठीक अच्छे, आपको इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट कि मॉडरेट शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट से कहवा बहुत डिफिकल्ट। कौन पर आम क्वेश्चन लेवल तमें एवरेज स्कोर रू ही जापर। ठीक अच्छे, एवरेज स्कोर एवं जानवर किसी उपाय ना, तो से मैंने जानवा डिफिकल्ट, बट यही रेंज रे तमें भल पा स्कोर रही पारे। ठीक अच्छे, कहली इजी शिफ्ट रे 170 रु 180, मॉडरेट शिफ्ट रे 160 पाखापाखि, हार्ड शिफ्ट रे 140 रु 150। ठीक अच्छे, तो यही सब जिनस कनसीडर करवा यार इफेक्ट पड़े आम नॉर्मलाइजेशन रे। नॉर्मलाइजेशन ओवरऑल कथा जी कह कौन तेटा जो शिफ्ट रे तमें टे हार्ड क्वेश्चन आसाला टी एवरेज स्कोर कम अच्छी तर नॉर्मलाइजेशन रे स्कोर टी बढ़ी जाए, आ जो शिफ्ट रे टे इजी क्वेश्चन आसाला तर स्कोर तमें टे बे एवरेज स्कोर टे बे अच्छी से स्कोर को टे कम करा जाए। ओके, तो ये जिनस नॉर्मलाइजेशन रे हुए, जहाँ भी फॉर्मूला यूज हो एमती ही हुए। ठीक अच्छे, आ ओएसएससी रमें जहाँ भी नॉर्मलाइजेशन होती आज पर्यटन आप देखिए आप निजर रॉ स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ओके, आ नॉर्मलाइज स्कोर आप जहाँ भी तमें जापर आप एग्जाम पर देखिए जो बेस फरक पड़े नहीं, किसी किसी मार्क बढ़ी था ना कि ही मार्क कमी था है ला? तो बेसी सेमती फरक पड़े नहीं। ठीक अच्छे, तो से सब जिन देखा एवं तमें गोटे जिनस इजी शिफ्ट रो तमें कैंडिडेट मान स्कोर थी यहाँ किसी नॉर्मलाइजेशन रे कमी पारे। ओके, मॉडरेट शिफ्ट कथा कह सॉरी हार्ड शिफ्ट कथा जी कह जमी 140 150 मुझी। ओके, ये जी कह मैंने स्कोर कि बढ़ी पारे, आ मॉडरेट शिफ्ट जो कह 160 पाखापाखि जो तर स्कोर बेसी तमें चेंज हमें ये तमें से रेंज रही पारे, बुझेगा। अगेन कहीदे ये सब एवरेज स्कोर नुह, ये सब तमें भल कैंडिडेट मान स्कोर कथा कह बुझेगा। तो ये हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हम आउ फाइनाली जदि यू जिनस को आम कनसीडर करवा तेल कट ऑफ कौ रेंज रे जीवो ताहले से जिन देखा कहीदे यूआर पर कट ऑफ अनरिजर्व मेल पर कट ऑफ। ओके, आम जी कह 155 रु 165 बुझेगा, 155 रु 165 यू आर मेल पाई कट ऑफ, बुझेला, ए रेंज रे जाई परे कट ऑफ आमरो। ओके,
କୋଉ ବେସିସରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରିସେଣ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ କୋଉଟା ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ତାମାନେ ରିସେଣ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ 70% ଯାଉଛି, 70% ଉପରକୁ ବରଂ ଯିବ, କିନ୍ତୁ 70% ତଳକୁ ଯାଉନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ପେପର କଥା ମୁଁ କହୁନି, ବଟ୍ ଯୋଉ ବି ଜେନେରାଲ ଏକ୍ଜାମ ଆମର ହେଉଛି 70% ମିନିମମ୍ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 70 ଯାଉଛି, 75 ଯାଉଛି, ତ 75 ଯଦି କହିବା, 75 ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ 150 ହେଉଛି, ବୁଝିହେଲା। 75 ଯଦି ପରସେଣ୍ଟ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା 200 ଟୋଟାଲ ସ୍କୋରର, ତାହେଲେ 150 ହେଉଛି। ତ ସେ ବେସିସରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥର ଟିକେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବେଶୀ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ସିଫ୍ଟକୁ କନସିଡର କରିକି, ନର୍ମିନେସନକୁ କନସିଡର କରିକି ଲାଗୁଛି ଯେ 155, ନହେଲେ ତାଠୁ ଯଦି ବେଶୀ ବି ଗଲା 165 ଭିତରେ, ୟାଠୁ ଆଉ ବେଶୀ ତାମାନେ ଯିବାର ତାମାନେ ସେତିକି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ୟୁଆର ୟୁଆର ମେଲ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେ କହିଲି, 155ରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, 155ରୁ 165, ବୁଝିହେଲା। ୟୁଆର ମେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଏତିକି ଗଲା, ତାହେଲେ ଏସ୍ସିବିସି ପାଇଁ କେତେ ଯିବ? ଏସ୍ସିବିସି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏସ୍ସିବିସି, ଓକେ, ଏସ୍ସିବିସି ଯଦି କଥା କହିବା, ଏସ୍ସିବିସି ମେଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ୟାଙ୍କ ଠୁ ୟୁଆର ମେଲ୍ ଠୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, 5ରୁ 6 ମାର୍କ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ କରିଦେବେ, ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ତାମାନେ ଏସ୍ସିବିସିର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇପାରେ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟ୍ ଅଫ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା 150, ଠିକ୍ ଅଛି, 160, 150ରୁ 160 ପାଖାପାଖି ଯାଇପାରେ, ଓକେ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଯଦି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କଥା କହିବେ, ଏସ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି କହିବା ଆମେ, ତାହେଲେ 135, ଓକେ, 135 ପାଖାପାଖି ଯାଇପାରେ କଟ୍ ଅଫ୍। ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଯଦି କହିବା, ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଯଦି କହିବା, ଏଇଟା 130ରୁ 135 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଏସ୍ସିର 130ରୁ 135, ଏସ୍ଟିର ଯଦି କହିବା ଆମେ, ତାହେଲେ 120ରୁ 125, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର 120ରୁ 125, ଏସ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର 130ରୁ 135, ଏସ୍ସିବିସି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର 150ରୁ 160, ୟୁଆର ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର 155ରୁ 165। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ 165ଟା ଟିକେ ବେଶୀ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ରେଞ୍ଜ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭଲସେ କି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାମାନେ 10 ମାର୍କର ମିନିମମ୍ ରେଞ୍ଜ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 155 ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର, ଗୋଟେ ତାମାନେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୟୁଆର ପାଇଁ 155, ଏସ୍ସିବିସି 150, ଏସ୍ସି 135, ଏସ୍ଟି 120ରୁ 125, ଓକେ। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ତାମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟ୍ ଅଫ୍। ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ତାହେଲେ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ତାମାନେ ଯୋଉ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ 7ରୁ 8 ମାର୍କ, ଓକେ, ଏଇଠି ତାମାନେ 7ରୁ 8 ମାର୍କ ୟୁଆର୍ ଗୋ ଏସ୍ସିବିସିରେ 7-8 ମାର୍କ କମ୍ କରିପାରିବେ, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିରେ ତାମାନେ 9-10 ମାର୍କ ତାମାନେ କମ୍ କରିବେ ଯଦି, ତାମାନେ ସେଇଟା ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ସେଫ୍ ସ୍କୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ, ଯାହା ବି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଅଛି ବା ତାମାନେ କିଛି ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ, ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜରୁର ଜଣାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।